हेलो दोस्तों, व्हाट्स अप। तो यार यूट्यूब पर इमोशनल वीडियोस के नाम पर ऐसे ऐसे टट्टी वीडियोस आ रहे हैं जिसकी कोई हद नहीं। तो आओ यार देखते हैं ऐसे ही कुछ इमोशनल वीडियो जो इमोशनल कम और फनी ज्यादा है। अच्छा भाई, मुझे मेरी आंखों का ऑपरेशन करवाना है, मुझे 5 लाख की सख्त जरूरत है यार। इतने पैसे मैं कहां से लूंगा, चल मैं देखता हूं। यार भाई, फाइनली आज मेरी आंखों का ऑपरेशन हो गया। भला हो उस आदमी का जिसने मुझे आंखें दी। कितना अच्छा दोस्त है इसका। इस बंदे ने आंखों के इलाज के लिए 5 लाख रुपए मांगे। अब इसके पास 5 लाख रुपए थे नहीं तो इसने अपनी आंखें ही दे दी। हक दिया। भाई पैसे नहीं थे तो उधार लेकर पैसे दे देता, बाद में कमाकर रिपे कर देता। लेकिन नहीं, इनको तो इमोशनल वीडियो बनानी, वरना वीडियो पे लाइक कैसे आएंगे। मतलब अगर कोई इससे किराए के पैसे मांगे तो ये अपना घर उसके नाम पे कर खुद फुटपाथ पे आ जाएगा। स्वागत नहीं करोगे आप हमारा? नहीं। बाकी सारी बातें तो एक तरफ रखो, कोई इस अंधे को देखो, रास्ते पे पड़ी लकड़ी लेकर दबंग का चश्मा पहनकर ये अंधे की एक्टिंग कर रहा है। वाह, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा बाबा। भाई मेरी बेटी का आज ऑपरेशन है, ये पैसे तो हॉस्पिटल में जाके जमा कर दे। चल ठीक है भाई, मैंने पैसे जमा कर दिए। भाई मेरा एक छोटा सा काम और कर दे प्लीज। भाई तू चल मेरे साथ। अरे भाई तू यहाँ क्या ले आया? तू चल तो सही भाई मेरे साथ। भाई वहाँ तेरे दोस्त की लाश पड़ी है। भाई मैंने मेरी बेटी के ऑपरेशन के लिए मेरी दोनों किडनी बेच दी है, तू मेरी बेटी का हमेशा ध्यान रखना, वो मेरी आखिरी अमानत है तेरे पास। इमोशनल डैमेज। अब ये वाला वीडियो देखकर तुम लोग सोचोगे कितना ही इमोशनल वीडियो है। लेकिन कोई मुझे ये बात बताओ, हॉस्पिटल से 2 किलोमीटर दूर किडनी बेच के ये बंदा क्यों मर रहा है? क्या रोड पर आवाज लगा के किडनी बेच रहा था कि मेरी किडनी ले लो? 150-150 रस्ते का माल सस्ते में। चलो मान लिया कि ये मर चुका है और इसकी आत्मा आकर पैसे देकर गई। और इनके हर वीडियो में ये सब क्या चल रहा है? कोई किडनी बेच रहा है, कोई आंखें डोनेट कर रहा है। इनकी वीडियो में मोटिवेशन से ज्यादा बॉडी पार्ट्स की तस्करी सिखाई जा रही है। Oh, no. और ये बॉडी पार्ट तो ऐसे बदल रहे हैं जैसे हम कपड़े बदलते हैं कि भाई मेरा टी शर्ट तू पहन ले और तेरा जैकेट मैं पहन लेता हूँ। भाई मुझे तेरी गाड़ी की चाबी देना, माँ की तबीयत बहुत खराब है, उनको हॉस्पिटल लेके जाना है। भाई नहीं दे सकता, हमको घूमने जाना है। और भाई ये गाड़ी की चाबी क्यों मांग रहा है? गाड़ी मांग, चाबी लेके क्या करेगा? भाई ये ले चाबी। सॉरी भाई मुझे माफ कर दे। सॉरी बाद में बोलना, जा पहले माँ का इलाज करवा। मुझे लगा पीछे जो गाड़ी खड़ी है ये वो लेके जाएगा, लेकिन ये तो सही में चाबी लेके भाग गया। क्या गुंडा बनेगा रे तू? एक इंडियन लड़का अमेरिका गया, उसको जॉब नहीं मिली तो उसने क्लिनिक खोला और बाहर लिखा 300 रुपए में इलाज कराएं, इलाज नहीं हुआ तो 1000 रुपए वापस। एक अमेरिकन ने सोचा कि ये बहुत अच्छा मौका है 1000 रुपए कमाने का, तो वो क्लिनिक पर गया। एक मिनट, ये कैसा अमेरिका है? कैलाश जेंस टेलर, वो भी हिंदी में। तो वो क्लिनिक पर गया और बोला मुझे किसी भी चीज का स्वाद नहीं आता। इंडियन लड़का बोला बॉक्स नंबर 22 से दवा निकालो और 3 बूंद पिलाओ। नर्स ने पिला दी। अमेरिकन बोला ये तो पेट्रोल है। इंडियन बोला मुबारक हो आपको टेस्ट। अरे भाई पेट्रोल टेस्ट से नहीं, स्मेल से पता चला होगा। और एक बात बताओ, ये पेट्रोल कहाँ से आया क्लिनिक में? पेट्रोल ब्लैक में बेच रहे हो? और अभियान भाई कैसे हो? सब बढ़िया भाई। और मेरे दोस्त? हाँ भाई सब बढ़िया। भाइयों इससे मिलो, ये मेरा दोस्त, मिलाओ ना हाथ इससे। अरे इससे मैं हाथ मिलाऊंगा काले से बुरी गत से? अरे ऊपर से काला और गरीब। उसकी तूने शक्ल देखी? वो देख जरा कितना काला कटोरिया, और अपन देख कितने गोर हो रहा है, अपन देख कितने गोर हो रहा है। आहा, बोल तो ऐसे रहा जैसे खुद कोलीबाड़े का टॉम क्रूज हो। हाँ सही तो कहा इसने, ये बंदा इतना गोरा है कि नील नितिन मुकेश शर्मा जाए। और ये उजड़े चमन का अलग ही स्वैग है, हेयर स्टाइल के नाम पे जिसके पास दाढ़ी और छाती के बाल ही बचे हैं। और इसकी टोन इतनी बाहर है कि शावर करते वक्त पैर तक पानी नहीं पहुंचता, और ये बंदा इसको लुक्स पे जज कर रहा है। यार सही बात कहो तो ऐसी वीडियोस देखने के बाद बहुत गुस्सा आता है कि कैसे अपने वीडियो में रेसिज्म को प्रमोट किया जा रहा है। कि यार दुनिया इतनी आगे बढ़ गई और ये अभी तक काले गोरे पर लगे हुए हैं। देखिए आप लोग, ये जो काले गोरों में जो फर्क पैदा करते हो ना, ये बर्दाश्त के लायक नहीं है। भाई क्या मूवी थी यार, वो हीरो की क्या दाढ़ी थी यार, मजा आ गया। हाँ यार दाढ़ी तो बहुत मस्त थी। कोई सेंस है इस बात की? अब यार आप लोगों को कोई मूवी क्यों अच्छी लगती है? मूवी का क्लाइमेक्स अच्छा हो, मूवी की स्टोरी लाइन अच्छी हो, या फिर एक्टिंग अच्छी हो? लेकिन नहीं नहीं नहीं, इन लोगों को मूवी इसलिए अच्छी लगी क्योंकि हीरो की दाढ़ी अच्छी थी। अगर दाढ़ी अच्छी होने से मूवी अच्छी हो जाती ना, तो लाल सिंह चड्ढा हिट होती। बात तो सही है। हाँ भाई, अपने ग्रुप में जितने भी बंदे ना, अपन सबको बोल देंगे वो भी दाढ़ी रखे, इससे अपना ग्रुप बहुत हैवी दिखेगा। हैवी दिखेगा? आपके चेहरे पे 200 किलो की दाढ़ी उगा लेगा? अरे भाई
तुम क्या यार हो भाई, तुम्हें तो पता ही है मेरी डायरी आती नहीं है। ये मुस्टेक का बियर्ड ग्रोथ कॉम्बो, रात को मुस्टेक का बियर्ड ग्रोथ ऑयल लगाने के बाद सुबह उठकर मुस्टेक के ही ओशन फेस वॉश से अपना चेहरा अच्छे से धोना है। इससे आपके सारे पिंपल दाग धब्बे सब खत्म हो जाएंगे और आपकी दाढ़ी बिल्कुल भर भर के आएगी हमारे जैसी। क्या बोलो तुमने, दाढ़ी भर भर के आएगी हमारे जैसी? अबे साले भाई, अगर इसको भरी हुई दाढ़ी बोलते हैं ना तो मैं बिना दाढ़ी के ही ठीक हूँ। That's it for today guys. अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कमेंट एंड शेयर कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लो एंड हिट द बेल आइकन। और किसी के लिए कोई हेट नहीं है, सब अपनी जगह अच्छा कर रहे हैं। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए बनाई गई है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।